नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जनता दरबार में फरियादियों ने मुख्यमंत्री से लगाई मदद की गुहार। बिहार में शिक्षक नियोजन के छठे चरण का आवेदन आज से शुरू। बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षाओं की संभावित तिथियां जारी। मैट्रिक और इंटर वार्षिक परीक्षार्थी का यूनिक आईडी से होगा पहचान। ऋषभ पंत वर्सेस दिनेश कार्तिक की बहस पर सुनील गावस्कर का बड़ा बयान। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। जनता दरबार में फरियादियों ने मुख्यमंत्री से लगाई मदद की गुहार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में एक महिला फरियादी पहुंची। उसने कहा कि उसके पति की मौत 2021 में हो गई थी और वह सरपंच थे, पर उनकी मौत के बाद सरकार की तरफ से दी जाने वाली अनुग्रह राशि उन्हें नहीं दी गई है। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने तुरंत अपने प्रधान को बुलाया और कहा कि यह मामला आप खुद देखें कि अभी तक इन्हें पैसे क्यों नहीं मिले हैं। वहीं मधेपुरा से आए एक शख्स ने कहा कि हमारे टोला में सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है। इस पर मुख्यमंत्री ने पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव को फोन कर कहा कि जब सारा काम किया गया है तो सड़क क्यों नहीं बनी। जिसके बाद एक रिटायर्ड कर्मी ने मुख्यमंत्री से कहा कि उन्हें कोर्ट के आदेश के बाद भी रिटायरमेंट और रिटायरमेंट का लाभ नहीं दिया जा रहा, बल्कि रिश्वत की मांग की जा रही है। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग को फोन लगाकर इस मामले को देखने का आदेश दिया है। बिहार में शिक्षक नियोजन के छठे चरण का आवेदन आज से शुरू। बिहार में शिक्षक नियोजन के छठे चरण का आवेदन आज से शुरू हो गया है। बता दें कि छठे चरण के शिक्षक नियोजन के लिए एसटीईटी पास अभ्यर्थी 19 से 29 सितंबर तक 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र को निबंधित डाक, स्पीड पोस्ट एवं हाथों हाथ जमा कराया जा सकता है। वहीं जिन अभ्यर्थियों ने नियोजन प्रक्रिया के अंतर्गत 1 जुलाई 2019 और 4 जून 2021 को जारी विभागीय अधिसूचना के तहत पूर्व में आवेदन कर रखा है, उन्हें फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इस आवेदन में उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के लिए 21 विषयों में कुल 633 पद और माध्यमिक शिक्षक पद के लिए 705 पद रिक्त हैं। बिहार में लागू होगी पुरानी मंडी व्यवस्था। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने 1.5 दशक पहले खत्म कर दिए गए बिहार एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट यानी कृषि बाजार समिति एक्ट को पुनर्जीवित करने के लिए पीत पत्र लिखा है। इसके साथ ही धान खरीद में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एकल एजेंसी के एकाधिकार को भी खत्म किया जाएगा। बता दें कि बिहार में ऐसे 90% किसान छोटे और सीमांत है जो मंडी एक्ट खत्म होने के बाद से वह अपनी लागत नहीं निकाल पाते थे। जिसके बाद कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने विभाग को पीत पत्र के जरिए आदेश कर दिया है कि पुराने मंडी कानून को फिर से लागू किया जाए। बिहार पुलिस मुख्यालय से नहीं हटेंगे पुराने बॉडीगार्ड। पुलिस मुख्यालय ने माननीयों का मान रख लिया है। पूर्व एवं वर्तमान सांसद, विधायक, विधान पार्षद आदि की सुरक्षा में तैनात बॉडीगार्ड को हटना नहीं होगा। वह तबादले के बाद भी माननीय की सुरक्षा में सेवा देते रहेंगे। एडीजी पच्चू सिंह मीना के द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। पिछले दिनों पुलिस मुख्यालय के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें यह साफ कहा गया था कि जिस भी पुलिस कर्मियों की तैनाती की अवधि पूरी हो गई है उनका तबादला कर दिया जाएगा, जिसमें कुछ बॉडीगार्ड भी शामिल थे। जिसके बाद कई माननीयों ने मुख्यालय को पत्र लिखकर यह मांग की थी कि इन सभी बॉडीगार्ड्स के तबादले को रोक दिया जाए। बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षाओं की संभावित तिथियां जारी। बिहार लोक सेवा आयोग की 68वीं बीपीएससी, एलडीसी, सीडीपीओ भर्ती समेत कई परीक्षाओं की संभावित तिथियां जारी कर दी गई है, जिसमें बीपीएससी 67वीं प्रारंभिक परीक्षा 30 सितंबर को और बीपीएससी 67वीं मुख्य परीक्षा 29 दिसंबर 2022 को आयोजित की जाएगी। बीपीएससी 68वीं प्रारंभिक परीक्षा 8 जनवरी 2023 को आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही सीडीपीओ भर्ती, एलडीसी भर्ती, प्रधान शिक्षक भर्ती 2022, असिस्टेंट इंजीनियर पर भर्ती समेत कई चल रही भर्तियां व आगामी भर्ती परीक्षाओं की संभावित तिथियां घोषित कर दी गई है। मैट्रिक और इंटर वार्षिक परीक्षार्थी का यूनिक आईडी से होगा पहचान। बिहार में मैट्रिक और इंटर वार्षिक परीक्षा 2023 के सभी परीक्षार्थियों की अब एक यूनिक आईडी से पहचान होगी। इसके साथ ही परीक्षार्थी भी यूनिक आईडी की सहायता से परीक्षा संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसे लेकर बिहार बोर्ड ने 30 लाख छात्र छात्राओं का 13 अंकों का यूनिक आईडी नंबर पंजीयन संख्या प्रपत्र के साथ जारी किया है। यह यूनिक आईडी नंबर उन छात्र छात्राओं को पहचान होगी जो 2023 में इंटर या मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं। यूनिक आईडी नंबर के इस्तेमाल से आगे अंक पत्र और प्रमाण पत्र का गलत इस्तेमाल को रोका जा सकता है। यूजीसी ने की कुल 5 स्कीम की घोषणा।
यूजीसी ने की कुल 5 स्कीम की घोषणा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने TMBU सहित देश भर के विश्वविद्यालय के 100 छात्रों व शिक्षकों के लिए कुल 5 फेलोशिप स्कीम की घोषणा की है। इच्छुक अभ्यर्थी यूजीसी के वेबसाइट पर जाकर 10 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि यूजीसी के 5 फेलोशिप स्कीम में एस राधाकृष्णन यूजीसी पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप, नए शिक्षकों के लिए डॉक्टर DS कोठारी रिसर्च ग्रांट फॉर इन सर्विस फैकल्टी मेंबर्स एमेरिटस फेलोशिप व सावित्री बाई फुले फेलोशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड शामिल है। बिहार के 26 जिलों में वर्षा के साथ ठंड का गिरने का अलर्ट। मौसम विभाग ने ताजा पूर्वानुमान किया है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि बिहार के 26 जिलों में बारिश के साथ वज्रपात की भी संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के जिन जिलों में वज्रपात और मेघ गर्जन को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, उनमें राजधानी पटना के साथ बक्सर, मधेपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, कटिहार, सुपौल, पूर्णिया, खगड़िया, अररिया, किशनगंज, नालंदा, जहानाबाद, गया, शेखपुरा, अरवल, भोजपुर, जमुई, रोहतास, कैमूर, मुंगेर और बांका समेत कई जिले शामिल हैं। कोसी और गंगा में बारिश से कटान तेज। बीते दिनों से लगातार हो रही बारिश से नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। कोसी में उफान के बाद गंडक, बागमती व कमला बलान नदी खतरे के निशान के पार हो गई है। इसके पहले कोसी, अधवारा, घाघरा के अलावा लखनदेई व घोघा नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। वहीं सूबे में भी 8 नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। इसके अलावा लगातार बारिश से गंगा और कोसी का पानी मैदानी इलाकों में तेजी से कटान कर रहा है। छोटी नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से रिहायशी इलाकों में भी बाढ़ का पानी घुस रहा है। नीतीश कुमार के JDU नेता BJP में हुए शामिल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि दादर नगर हवेली और दमन दीव की JDU इकाई भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव BS संतोष की उपस्थिति में बीते दिन रविवार को भाजपा में शामिल हो गए। इससे पहले भी सितंबर के पहले सप्ताह में मणिपुर में जनता दल के 6 विधायकों ने JDU का साथ छोड़ BJP में शामिल हो गया था। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए JDU यूनिट का भाजपा में शामिल होना बड़ा झटका माना जा रहा है। वो भी तब जब देश भर में घूमकर सभी विभिन्न पार्टियों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे। राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को भिजवाया निमंत्रण। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव को उनकी यात्रा में शामिल होने के लिए न्योता दिया है। बता दें कि बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास खुद राहुल गांधी का निमंत्रण लेकर तेजस्वी यादव के पास मिलने पहुंचे। बीते दिन रविवार को कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास राजस्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से 10 सर्कुलर रोड स्थित पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की और सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य की जानकारी ली। फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने को लेकर तेजस्वी यादव ने हामी नहीं भरी है। राजद कार्यालय में परिसर में घुस गए 300 से ज्यादा होमगार्ड अभ्यर्थी। पटना स्थित राजद के प्रदेश कार्यालय में 300 की संख्या में होमगार्ड अभ्यर्थियों ने परिसर के अंदर घुसकर हंगामा करना शुरू कर दिया है। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि वे सभी 11 साल से होमगार्ड में भर्ती होने का इंतजार कर रहे हैं। सारे मेरिट के पास होने के बाद भी आज तक इसकी नियुक्ति नहीं की गई है। इतने साल इंतजार करने के बाद कुछ की नियुक्ति की गई और बाकियों को अनफिट कहकर वापस भेज दिया गया। उनका कहना था कि तेजस्वी यादव पर भरोसा है, हम लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन भरोसा अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में JDU करेगी BJP की चुटकी में परास्त। 2024 के लोकसभा चुनाव में JDU करेगी BJP को चुटकी में परास्त। बिहार में JDU ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने कहा कि भाजपा का पराजित करना अब आसान है। देश में महंगाई बढ़ी है, गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। जिस तरह वर्ष 2014 में जाति धर्म के नाम पर नरेंद्र मोदी ने वोट मांगा और सत्ता पाई, अब उनकी दाल बिहार में नहीं गलेगी। भरूपिया बनकर देश की सत्ता पाने वाले नेता को बिहार की जनता पहचान गई है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार से भाजपा का सफाया होगा और अभी 40 सीटों पर महागठबंधन की जीत होगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से किसी की भावना में न आकर जात पात से ऊपर उठकर एकजुटता के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करने की भी अपील की है। देश भर में आए 5000 से कम कोरोना के मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी रविवार को जारी किए गए कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में COVID-19 के 4,858 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बिहार की बात करें तो यहां बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण के मामले में कमी हुई है, जिसके बाद राज्य भर में कुल 66 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 34 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल
83,862 कोरोना सैंपल की जांच की गई है, जहां 96 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। ऋषभ पंत वर्सेस दिनेश कार्तिक की बहस पर सुनील गावस्कर का बड़ा बयान। अगले महीने से ऑस्ट्रेलिया में शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप को लेकर भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है, जिसमें विकेट कीपिंग के लिए ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक को रखा गया है। विश्व कप में भारतीय टीम के लिए प्राइमरी ऑप्शन कौन होगा, इस सवाल को लेकर भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने अपनी राय दी है और दोनों खिलाड़ियों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वे दोनों के साथ खेलना पसंद करेंगे। वहीं नंबर 5 पर ऋषभ पंत और नंबर 7 पर दिनेश कार्तिक को रखूंगा। यदि आप खेल में जोखिम नहीं उठाएंगे तो जीतेंगे कैसे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने भी हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है छोटी कुमारी, नन्नू कुमार, लक्ष्मी मेहता, मृत्युंजय कुमार, अनवर करीम खान, रंजीत कुमार ठाकुर, मुतुर रंगीला, राजकुमार प्रसाद, पवन सिंह, रंजीत मिश्रा, कविता कुमारी, पिक्कू प्रदीप, मोहम्मद नौशद राजा, के सिन्हा, कुलदीप कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार में पुरानी मंडी व्यवस्था लागू होने से किसानों को लाभ मिल पाएगा या नहीं। आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।